हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में, जो आने वाले टाइम में किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, और जो लोगों के पास स्टॉक होल्ड पड़ा है ना, तो वो लोगों को कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाने, हर एक चीज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो अदानी एंटरप्राइजेस का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ दोस्तों। आने वाले टाइम में स्टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है, आने वाले टाइम इसी लेवल के आसपास से अपर साइड की मोमेंटम कर सकता है। उसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन आती हुई दिखेगी, जो ट्रेंड लाइन का मल्टीपल टाइम स्टॉक को सपोर्ट मिला है दोस्तों। फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम एक्जैक्टली इन लेवल के आसपास, थर्ड टाइम अभी ये फोर्थ टाइम एक्जैक्टली इसी लेवल के अराउंड अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आप लोगों को ऊपर से फिर एक चैनल ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो इस तरीके के चैनल के अंदर ही अदानी एंटरप्राइजेस परफॉर्म करते हुए आप लोगों को दिखता होगा। ये फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, उसके बाद में सेकंड टाइम की बात करें तो एक्जैक्ट सेकंड टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम एक्जैक्ट आप लोग देखोगे तो एक्जैक्टली इन लेवल के अराउंड इसने रिजेक्शन लिया तीन बार इसने रिजेक्शन लिया। अभी अगर आप लोग देखोगे ना, तो ऊपर से नीचे हमें एक ट्रेंड लाइन भी आते हुए दिख रही है, और नियर बाय इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट भी है दोस्तों। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करना है तो मिनिमम ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, फिर ही ब्रेक करेगा। और मुझे लगता नहीं है, जो मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन, जो डायनामिक ट्रेंड लाइन है, उनका सपोर्ट हमेशा लिया जाता है दोस्तों। और अगर आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस तरीके से एक आप लोगों को ट्रेंड लाइन भी दिखती होगी, जो एक आने वाले टाइम में स्टॉक एनी लेवल के आसपास से मुझे घूमने की प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो इसके अंदर अपने को करना क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी लोगों के पास ये पड़ा है ना स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस आदेंट, तो इसको आप लोगों को इन्हीं लेवल के अराउंड से होल्ड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस इसकी बात करें तो नियर बाय छोटा स्टॉप लॉस अपना होने वाला है इसके अंदर। अगर मैं आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन लगा के बताऊं, तो ये लेवल है ना, इसके आसपास आप लोगों को बाइंग करनी है, क्योंकि प्रीवियसली दोस्तों इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने क्या किया था, मल्टीपल टाइम कंसोलिडेशन किया था, और उसके बाद में आप लोगों को इसी लेवल के आसपास से एक अपर साइड की मोमेंटम देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे देख सकते हो तो स्टॉक अभी एक्जैक्टली इन लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस की बात करें ना, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस होने वाला है। स्टॉप जो एंट्री प्राइस है अपनी नियर बाय उन्हीं लेवल के आसपास होने वाली है ट्रेंड लाइन के आसपास। स्टॉप लॉस की बात करें तो जो लोगों के पास स्टॉक में होल्ड पड़ा है ना, 3350 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और टारगेट की बात करें दोस्तों, तो आने वाले टाइम में ना, मुझे आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर भी जाने के लिए दिख रहा है, लेकिन मल्टीपल टारगेट्स में आप लोगों को दूंगा। फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है अपना नियर बाय इन्हीं लेवल के आसपास, और सॉरी फर्स्ट टारगेट अपना रहने वाला ये जो एरिया है 3800 रुपए का, वो अगर आप लोग देखोगे तो ये एंट्री पॉइंट है, टारगेट वन ये, टारगेट टू ये, और फाइनल टारगेट ये। और उसके बाद में एसएल की बात करें दोस्तों, तो ये उसके बाद में आप लोगों को मैं इसके अंदर क्यों इतना बड़े टारगेट की प्लान कर रहा हूँ, आप लोग देखोगे दोस्तों, तो प्रीवियस हाई को जैसे ही स्टॉक ब्रेक करता है ना, उसके बाद में एक गिरावट दिखाता है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसने बुल्स को ट्रैप किया, फिर इसने गिरा नीचे, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो ये फिर से क्या करेगा, ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन का टेस्ट करेगा, और फिर यहाँ से गिर जाएगा। इसी तरीके का एनालिसिस दोस्तों डेली नेकेड चार्ट के ऊपर मैं लेके आता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे डेली इसी तरीके के एनालिसिस नेगेटिव चार्ट्स के ऊपर लेके आता हूं, और आप लोगों को दिखाता हूं किस तरीके से एनालिसिस करना, यही सब चीजें देख देख के आप लोग सीख सकते हो और समझ सकते हो। इसके साथ मैं आप लोगों को शॉर्ट्स के अंदर डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का भी व्यू दे देता हूं कि अर्ली मॉर्निंग 10 बजे तक किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में आप लोगों को ट्रेड करना है विद टारगेट एंड एंट्री स्टॉप लॉस। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों इसी तरीके के अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।